शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। रोहन, श्रवणी, शिवांश की जान बच सकती है क्या? शिवांश की जान बच सकती है, लेकिन 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 क्या रोहन, हम शिवांश को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। फोन पर नहीं, क्या तुम मिलने आ सकती हो? हम शिवांश के लिए कहीं भी आ सकते हैं। आओ फिर बात करते हैं। जय श्री राम। ये कैसी जगह है और यहाँ क्यों बुलाया? वो सब छोड़ो, ये बताओ, तुम बोल रहे थे शिवांश की जान बच सकती है, हाँ? कोई डोनर मिल गया क्या? हाँ? बोलो। बैठो शिवने। हमें नहीं बैठना, तुम पहले हमें बताओ कोई मिला है क्या? रोहन, रोहन, इस रिपोर्ट में तो लिखा है कि डोनर की किडनी शिवांश की किडनी से मैच हो गई है। क्या ये डोनर तैयार है? डोनर किडनी देगा अपनी? हाँ, बोलो ना। ये कौन है? कौन है ये डोनर? हाँ। रोहन, इस रिपोर्ट पे तो तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हारी किडनी मैच हुई है शिवान से। तुम किडनी दोगे शिवांश को? रोहन, थैंक यू रोहन, थैंक यू सो मच। तुम जानते नहीं तुमने क्या किया है हमारे लिए। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे रोहन, जिंदगी भर। हाँ, हम शिवांश को अपनी किडनी देने के लिए तैयार हैं, पर उसके बदले में हमारी एक शर्त है। तुम बस कहो रोहन, हम हर शर्त मानने को तैयार हैं, हर शर्त। जबान देते हम तुमको, हर्षद मानेंगे हम तुम्हारी, बस तो शिवांश को बचा लो। पहले सुन तो लो। हमने कह दिया ना, जबान देते हम अपनी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। अर्थात मुश्किल के समय में इंसान के धीरज धर्म सच्चे मित्र और सच्ची संगनी की परख होती है।
जल्दी से इनको पेन के साथ इंजेक्शन दो, जल्दी हरिया। डॉक्टर साहब, बोलिए डॉक्टर। अरे आप इनको लेकर सिंगापुर जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? शिवांश ठीक है ना? देखिए वो तो अभी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है तो इनको बार बार पेन किलर्स देना पड़ेगा और इनकी किडनी पर बैड इफेक्ट आ सकता है। हेलो हेलो श्रवणी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हम सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए, अब हम शिवांश को सिंगापुर नहीं लेकर जा रहे। अरे शिवांश का ऑपरेशन यही होगा, डोनर मिल गया है डॉक्टर साहब, डोनर यही आ रहा है। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। गुड जी, मैं तैयारी करता हूँ। इसने चुटकियों में इंतजाम कहाँ से कर लिया? मम्मी कहाँ जा रही है? वचन में से एक वचन ये भी लिया था कि हम आपके लिए हर मुश्किल से लड़ जाएंगे, बस वही निभाने जा रहे हैं। शिवांश को किडनी कौन दे रहा है? क्या हुआ बताओ, तुम जानकर क्या करोगे? काहे बताने में हर्जी का है, स्वीटी पत्नी है शिवांश की, हक बनता है उसका। या तो फिर तुम बताना नहीं चाहती ताकि शिवांश को लगे सब कुछ तुमने अकेले किया है और तुम शिवांश को स्वीटी से छीन लो। अगर हमें ये करना होता ना तो हम कब का शिवांश को बता चुके होते कि आपने किस तरह स्वीटी को शराब पिलाकर उसके टेस्ट करवाए, ताकि उसकी सारी रिपोर्ट गलत निकले और डॉक्टर खुद मना कर दे स्वीटी की किडनी लेने से। लेकिन डरिए मत, हम आप दोनों की तरह नहीं है, शिवांश को नहीं छीनेंगे हम, वो ठीक रहे इतना ही काफी है। ये सब चीजें आप लोगों के समझ के परे है, रहने दीजिए। मतलब तुम सीधे तरीके से मुंह नहीं खोलोगे, नहीं बताओगी ना कि किडनी किसने दी है? नर्स, इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है ना? यस सर।
आप तैयार हैं ना? यस डॉक्टर। नर्स, कंसेंट फॉर्म दीजिए, साइन कर दीजिए। इनके ऑपरेशन की तैयारी करो। यस सर। डॉक्टर, बस एक बात, ये बात हमेशा राज रहनी चाहिए, किसी भी हाल में किसी को भी कभी भी ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। जी, ऑल द बेस्ट। इतना नाटक क्यों कर रही हो? हाँ, क्यों कर रही हो इतना नाटक, बता दो ना, कौन है, कौन है ये आदमी जो शिवांश को किडनी देने को तैयार है? बता क्यों नहीं देती? फिलहाल तो इतना जान लो कि शिवांश का ऑपरेशन हो रहा है और तुम्हें वहां उनके साथ होना चाहिए, और जो अब तक करती आई हो ना, वही करो। एक अच्छी पत्नी होने का ढोंग। किडनी किसने दी, कहां से आई, इन सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है स्वीटी, और ना कभी जान पाओगी। और हाँ, एक और बात, अगर शिवांश तुमसे पूछेगी ये सब किसने किया, तो कहना तुमने। ठीक है, मत बताओ। मम्मी चलो शिवांश के पास चलते हैं, उसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, चलो। तुम पगला गई हो क्या? कुछ ज्यादा पता भी है तुमको? पूछेगा तो कब रखोगी? कभी को सब कुछ तो इसको पता है, ये मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अरे मम्मी, हमको क्या लेना देना इससे, शिवांश का ऑपरेशन हो रहा है ना, बस हमारे लिए यही काफी है, और कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप चलो हमारे साथ। श्रवणी, अभी वहां पर स्वीटी की बहुत जरूरत है, इसीलिए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मुंह बहुत देर तक बंद नहीं रहने वाला। मुंह तो खुलवा कर रहेंगे, चलो। आपने किडनी डोनेट करके एक बहुत ही नेक काम किया है, और ये लेजर सर्जरी थी, इसमें आपके घाव भी जल्दी भर जाएंगे और आपको हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। और शिवांश? वो भी स्टेबल है, किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी हो रही है। थैंक यू डॉक्टर। आजा आजा। बधाई हो शिवांश, देख कर ये देखो, हम तुम्हारे लिए कितने अच्छे फूल रहे हैं। लो, क्यों पकड़ो? क्यों? चौंकिए मत, आज तो इसके पैरों तले जमीन नहीं टिकने वाली। तो और क्या, बातें ही इतनी खुशी की है। पता है शिवांश, तुम्हारे लिए किडनी का इंतजाम हो गया है, और वो भी सिंगापुर में नहीं, यही पे। शिवांश, अब तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। सच में? हाँ। श्रवणी को ढूंढ रहे हो? वो नहीं आएगी? नहीं, हम किसी को नहीं ढूंढ रहे। वैसे किडनी का इंतजाम कैसे हुआ? वो
ये डॉक्टर लोग का है कि घुमाते फिराते रहते हैं, साफ साफ बात तो करते नहीं है। अब कहा है कि नाम गुप्त रखना है, कुछ पता ही नहीं है। पेशेंट को सर्जरी के लिए रेडी करना है अभी। हाँ लेके जाइए जल्दी से, हमारे दामाद बाबू को लेकर आइए ठीक ठाक। दामाद बाबू चिंता मत करना, भगवान राम जी सब ठीक करेंगे। भगवान आपको इतनी लंबी उम्र दे कि जिंदगी भर आप जितनी नफरत करना चाहे उतनी नफरत करें। शिवांश हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम जल्दी लौट के आना ठीक है। तुम कहाँ भागी जा रही हो? वो ऑपरेशन थिएटर जंग पे नहीं जा रहा है, ऑपरेशन के लिए जा रहा है, आ जाएगा। हे प्रभु हमारी जितनी परीक्षा लेनी है ले लीजिए, बस अपनी कृपा हमारे शिवांश पर कीजिए, उसका ऑपरेशन ठीक से हो जाए और वो सही सलामत घर लौट आए। हे जग के वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे उदाया, आरती हरन सरन सुखदायक, हे रघुकुल सरोज दीन नायक। अर्थात सीता जी विलाप करते हुए कहती हैं, हे रघुनाथ जी आप तो इस जगत के सबसे बड़े वीर हैं, आप मुझे किस अपराध का दंड दे रहे हैं? हे दुखों को हरने वाले, मेरा दुख आप क्यों नहीं देख रहे? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र ग्रीश्वर सीता राम, भगत जन प्रिय सीता राम, जानकी रमणा सीता राम, जय जय राघव सीता राम। नर्स ऑपरेशन इज ओवर, पेशेंट को अभी 8 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। यस सर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। जय सियाराम। जय सियाराम। बधाई हो सबको। अम्मा जी अम्माजी भगवान ने हमारी सुन ली। क्या हुआ? अम्माजी शिवांश का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जल्दी वो घर आ जाएंगे।
शिवू का ऑपरेशन ठीक से हो गया। हाँ माँ जी, परवाले ने हमारी सुन ली, आपने हमारी मुराद पूरी कर दी। आपकी जय हो। जय श्री राम। पहले आप मुंह मीठा कीजिए। ये सब तुम्हारे भाग्य का फल है बेटा, जब जब इनको खिलाओ। ये लीजिए। सारा खेल बचाया श्रवणी ने, ना जाने कहां से जुगाड़ किया और रातों रात शिवांश को किडनी भी मिल गई, वो भी बिना पैसे के, और अब खुद सामने नहीं आ रही है, स्वीटी की जय जयकार करवा रही है। बात तो जरूर है कुछ। हम शिवांश को किडनी देंगे, पर बदले में तुम्हें हमसे शादी करनी होगी। अब आपके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे, आसाद कर रहे आपको। लीजिए, हमने भी साइन कर दिया है, दोनों की सहमति से तलाक जल्दी मिल जाएगा और आपकी शादी स्वीटी से जायज हो जाएगी। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।